Vrindavan Bihari Lal ki jai. Om namo Bhagavate Purana Purushottamaya. Om jayati parashar sunuh satyavati bhulaye nandano vyaso yasyasya kamal galtam vatmay mamatam jagat pivati vishwa sarga visargadi navlakshan lakshatam Shri Krishnaksham Param Dham Jagat Dham Namamita Hrudiyasya Preranaya Pravartitoham Barakrupovi Tasya Harehi Padkamalam Vande Shri Chaitanya Devasya Vandeham Shri Guru Shri Padkamalam Shri Guru Vaishnavanishcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam, Savadhutam, Parijan Sahitam, Shri Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakhanditainishcha. Ajnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya, Chakshurunmilitam Yeno Tasmai Shri Gurve Namah, Divyat Bhandaranya Kalpadrumadha, Shrimad Ratnagara, Ratna Simha Samastavu Srimad Radha Shri Govinda Devau Preshthadi Bhissevya Manus Marami Shriman Narasa Vasavani Vanshiva Tatastita Karshanvenu Sanev Gopi Gopi Natha Shri Ostuna Jayetam Suratavur Pango Mamand Mater Gati Matsarvasva Padam Bhujau Shri Radha Madhumohanau Narayanam namaskriti naram jaiva naruttamam divim saraswati vyasam tapu jaimirai Vancha kalputam bhyascha karpasam bhyayuja pattanam pavunubhyo Vaishnavibhyo namo namah He Shri Sanatan Prabho Karunam Rashe He Udurgat Janaika Dayavuruko He Bhakti Ugnu Sumate Ramnath Daso Shri Jeevube Kurukmand Madhir Dayamdra Tulsi Kanam Yatra Yatra Padmavana Nicho Purana Patanam Yatra Dakta Samihiko Hari Bula Shurndavan Bihari Lal Ki Jai Shaksha Paramundan Shri Vrindavanamrita Shri गोप कुमार ने अष्टकालीन लीला का दर्शन किया और उसका साक्षात आस्वादन प्राप्त करते हुए और उसमें योगदान प्रदान करते हुए स्वयं भी अपनी स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करके सेवा करते हुए वे विराजमान हुए। ये पूर्व संग में श्री गोप कुमार ही बता रहे हैं कि स्वरूप में मैं उस लीला का आस्वादन करते हुए विराजमान हूं। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि 203 वां श्लोक है
कि अयोध्या द्वारपति आदि पहले निरूपण कराए थे, श्री गोलोक का जो रस है वो अयोध्या द्वारका इनसे भी सर्वश्रेष्ठ है। 203 में श्लोक में कह रहे हैं, अततेषां देवानां अवतारा धरातले क्रीडां चिकीर्षतो विष्णु भवन्ति प्रीतये मूढ़। के जब श्री कृष्ण चंद्र पृथ्वी के ऊपर अवतार धारण करते हैं तो उनके साथ श्री गोलोक का जितना भी परिकर है वो भी अवतार धारण करता है, वो भी पृथ्वी के ऊपर अवतरित होता है। कृष्ण अकेले अवतरित नहीं होते हैं, नंद यशोदा सुवल श्रीराम यशोदा बलदेव इन सबके साथ में कृष्ण पृथ्वी तल के ऊपर अवतरित होते हैं। इन गोलोक पर करके ही कहीं अवतार रूप है श्री वैकुंठ में भी कुछ स्वरूप है। जैसे श्री नंद यशोदा ये तो गोलोक में है, परंतु वैकुंठ में श्री वैकुंठनाथ चतुर्भुज जो नारायण भगवान है उन नारायण भगवान के यहाँ पर भी चंद प्रचंड कुमुद कुंदेक्षण विश्वक्सेन ये जितने भी पार्षद हैं इनमें नंद नाम करके जो पार्षद हैं वे श्री नंद बाबा के ही एक अवतार हैं। इसी प्रकार यशोदा को श्री यश वहां पर हैं नंद श्री गोलोक में, और वैकुंठ में उन्हीं यशोदा की समान ही कोई श्री लक्ष्मी जी की भी परिकर में या कहीं भाव रखने वाली नारायण के साथ में कोई यशोदा नाम करके भी कोई देवी है, देवी पार्षद है। इसी तरह से तो ये हुए अवतार। अब उनके ही एक प्रतिरूप होकर के देवलोक में स्वर्ग में भी उनका ही एक तीसरी छाया है। तो एक एक की तीन तीन छाया हो गई, अवतारी हो गए श्री नंद यशोदा, अवतार हो गए श्री नंद और यशोदा नाम करके कोई पार्षद, और स्वर्ग में ध्रुव और धरा नाम करके जो वसु हैं, वसु और वसुपत्नी वे भी कहीं स्वर्ग में देवता रूप में अवतरित हुए। और इस प्रकार जब अवतार काल आता है उस अवतार काल में अवतार और प्रतिरूप ये भी अवतारी के साथ में मिल करके अवतार धारण कर लेते हैं। तो अवतारी हैं श्री नंद यशोदा, अवतार हैं श्री स्वर्ग वैकुंठ के नंद, और प्रतिरूप हैं स्वर्ग में द्रोण और धारा। अब ये द्रोण धारा भी कभी ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे हैं और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा तुमको जो चाहिए वो वरदान मांग लो, उस समय इन्होंने वरदान मांगा कि हमको कृष्ण में भक्ति हो, और श्री ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं वो भक्ति तुमको होगी। और श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए नंद यशोदा में ही उन द्रोण और धरा को तादात्म्यपन्न करके उनमें मिला करके मर्ज करके इमर्जन करके उनको अवतार धारण करा। ऐसे ही श्री ब्रज में गोलोक में श्री बलराम है, और श्री वैकुंठ में मरीज पर है स्वामी जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठ में वहां पर श्री संकर्षण के रूप में कृष्ण के व्यूह होकर के विराजमान है संकर्षण, और देवलोक में देखें तो वे ही पृथ्वी के नीचे
पाताल के भी नीचे गर्भोद में धरणी धर होकर के शेष विराजमान है, जिनके सिर के ऊपर एक फण के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है सरसों के समान। तो श्री बलदाऊ जी के तीन स्वरूप हो गए, यहाँ तीन तीन स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। एक स्वरूप है अवतारी, दूसरा है अवतार, तीसरा है पृथ्वरूप। पृथ्वरूप को अवतार नहीं कहेंगे, पृथ्वरूप को कहीं उसकी छाया कहेंगे। जैसे दर्पण में हम अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो वो जो दर्शक दर्पण में जो अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, वो जो प्रतिबिंब है वो प्रतिरूप है, वो अवतार नहीं है। ऐसे ही श्री बलदेव हैं अवतारी। स्वर्ग में वैकुंठ में श्री नारायण के व्यूह रूप में जो वासुदेव संकर्षण प्रतिबिंब अनुरुद्ध हैं, वे संकर्षण हो गए अवतार और उनके ही प्रतिरूप हो गए स्वर्ग में, या नीचे पृथ्वी पर आकर के जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं भूलोक में, सप्त पाताल के भी नीचे जाकर के जो धरणी धर विराजमान है और जिनके फण के ऊपर सरसों की जैसी पृथ्वी रखी है, पंचम स्कंध में जैसे वर्णन किया, वे हो गए उनके देवता स्वरूप। इसी तरह से श्रीमद गोलोक में श्रीधाम ये हो गए कृष्ण परिकार, ये हैं अवतारी। अब वैकुंठ में वे ही श्रीदामा उनके एक अवतार के रूप में गरुड़ विराजमान है, तो गरुड़ हो गए उनके अवतार। और स्वर्ग में कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में विनता नंदन होकर के, कश्यप ऋषि की जो विनता नाम करके पत्नी है, उनके पुत्र होकर के स्वर्ग में भी एक गरुड़ विराजमान हुए, वे गरुड़ हो गए देवता। तो ये हर एक के तीन तीन स्वरूप हो गए, अवतारी अवतार और पृथ्वीरूप, अवतारी अवतार पृथ्वीरूप, ये तीन तीन स्वरूप हो गए। जैसे श्रीमद् गोलोक में देव की वसुदेव वे हैं अवतारी, वैकुंठ में कृष्ण और सुतपा नाम करके जो वैकुंठ पार्षद हैं, वे वैकुंठ पार्षद एक ऋषि वे विराजमान हैं, और स्वर्ग में वे ही अदिति कश्यप हो गए, अदिति कश्यप रूप में विराजमान हो गए। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि तेषाम एवावतारास्ते नित्या वैकुंठ पार्षदा प्रपंचांतर्गतास्तेषाम पितृरूपा स्वरा यथा। तो गोलोकवासी सबसे अधिक प्रेम का सुख का अनुभव करने वाले हैं, और तेषाम एवावतारास्ते 202 में श्लोक में कह रहे थे कि तेषाम जो नित्य परकर है, उस नित्य अवतारी परकर के ही अवतार रूप में वैकुंठ के पार्षद हुए, और प्रपंच के भीतर वे ही प्रतिरूप होकर के विराजमान हो गए। तो इनको तीन तरह से, इस तरह से हमने देखा कि एक है अवतारी, दूसरे हैं अवतार, तीसरे हैं प्रतिरूप। और जब अवतारी ने अवतार लिया, उस समय अवतार भी अवतारी में विराजमान हो जाएंगे, और उन अवतार के प्रतिरूप में जो स्वर्ग के कोई देवता हैं, वे भी वैकुंठवासी नित्य परकर के साथ में श्री अवतारी गोलोकवासी श्री नंद बाबा इत्यादि में ही तारात्म्यपन्न होकर के एक स्वरूप होकर के विराजमान हो जाएंगे। तो प्रपंचांतर गता, प्रपंच के भीतर जो द्रोणधरा धरणीधर विनता के पुत्र गरुण अदिति कश्यप, ये स्वर्ग में जो विराजमान है, वे भी अवतार काल में जन्म लेंगे। अब इसमें एक रहस्य श्रीमद् भागवत में जहां जन्म प्रकरण है ठाकुर जी का, उसमें एक निरूपण किया कि देवताओं का पृथ्वी के ऊपर अवतार काल में जो अवतार है, वो अवतार तीन प्रकार से, कभी तो देवता तादात्म्यपन्न होकर के अवतार धारण करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने आदेश प्रदान किया कि भगवान ने मुझे आदेश प्रदान किया है, भगवान अवतरित होने वाले हैं, कृष्णचंद्र का अवतार होगा, और संभवंत स्वरस्त्रीय
उनकी सेवा करने के लिए देवतागण और देवताओं की स्त्रियां भी जन्म ग्रहण करें उसके पहले। तो संभवत स्वस्त्री है जो कहा इसके तीन रूप हो गए। कभी तो जैसे नंद यशोदा अवतार धारण करेंगे उसमें दो धारा तादात्म्य बंद होकर के अवतार धारण करें, ये एक रूप, उनमें मर्ज होकर के एमर्जन होकर के उनका अवतार हो, एक एक स्वरूप। दूसरा जो स्वरूप है कि भाई एमर्ज नहीं होंगे, कहीं अलग भी विराजमान होकर के वे अवतार धारण करें। स्वतंत्र अर्थात नंद बाबा यशोदा की तरह से गांव के कोई वयोवृद्ध व्यक्ति बन करके गोप बन करके वे अवतार धारण करें, ये एक दूसरा स्वरूप हो गया। तो अलग एग्जिस्टेंस के साथ में, अलग अस्तित्व के साथ में, स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ में वे अलग अवतार धारण करें, परंतु भाव नंद यशोदा जैसा ही होगा। अब एक तीसरा भाव है कि अलग स्वतंत्र कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव वाला न होकर के वे नंद यशोदा के ही अनुगत कोई दास होकर के या उनके अनुगत परिकर में कोई व्यक्ति होकर के जन्म ग्रहण। ऐसे ही लक्ष्मी गणों की भी यही स्थिति है, कभी तो श्री राधिका में तादात्म्य बंद होकर के यदि कोई आराधना कर रही है तो श्री राधिका में तादात्म्य बंद होकर के वे विराजमान होंगे, अर्थात जिन देवताओं ने स्वयं ग्रहोपासना पूर्वक आराधना की वे तो श्री ब्रज गोपिकागणों में नित्य परिकर में या नंद यशोदा में तादात्म्य बंद होकर के विराजमान होंगे। स्वयं ग्रहोपासना का मतलब है कि जो वास्य है वो ही मैं हूं, इस रूप में आराधना करना। ज्ञानी जन जैसे हम ब्रह्मास्मि सो हम इस प्रकार की भावना धारण करते हुए अनुभव वाक्यार्थ में सो हम इस बाकी को धारण करते हुए जैसे विराजमान होते हैं, ऐसे जिन देवताओं ने कहीं अंग्रहोपासना के द्वारा आराधना की वे तो तादात्म्य बंद हो जाएंगे। जिन्होंने अंग्रहोपासना करके उपासना नहीं की बल्कि कहीं नित्य परिकर का आनुगत्य ग्रहण किया है परंतु तो स्वतंत्र रूप से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं वे अलग से परकर बन करके जन्म ग्रहण करेंगे, साधन सिद्ध परकर बन करके जन्म ग्रहण करेंगे। परंतु जिन्होंने रागानुवय मार्ग से उपासना की वे नित्य परकर के अनुगत होकर के रागानुवय मार्ग से मंजरी भाव से या रागानुवय भाव से उपासना करेंगे। तो तीन उपासना की पद्धति हो गई, उपासना भेद से साधक देह जैसी आराधना करेगा सिद्ध देह में वैसे ही स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो ये जो नियम है इस नियम के अनुसार यदि स्वयं ग्रहोपासना करेगा तो श्री ब्रज गोपिकागणों में नंद बाबा में सुवन इत्यादि में तादात्म्य बंद होकर के विराजमान हो जाएगा, श्री रामा आदि में तादात्म्य बंद होकर के वो विराजमान हो जाएगा। यदि अनुगति को ग्रहण किया परंतु रागात्मिका उपासना की, स्वयं ग्रहोपासना रागात्मिका उपासना और रागानुगा उपासना, उपासना ये उपासना के तीन भेद होंगे और तीन भेद से फिर तीन स्वरूपों की प्राप्ति होगी। स्वयं ग्रहोपासना में तादात्म्य बंद हो जाएगा, रागानुगा नहीं हरे कृष्ण रागात्मिका उपासना में स्वयं भी एक परकर बन करके यदि मधुर भाव से उपासना कर रहा है तो मायका बन करके विराजमान हो जाएगा, यदि सख्य भाव से उपासना कर रहा है तो साधन सिद्ध एक सखा बनकर के विराजमान होगा, नित्य सिद्ध नहीं साधन सिद्ध, उसकी श्रेणी रहेगी कैटेगरी जो रहेगी वो साधन सिद्ध की रहेगी, साधन सिद्ध होकर के विराजमान हो जाएगा। और यदि अनुगत्य होकर के उपासना की रागानुगा मार्ग से उपासना की तो श्री सुवल या श्री राम के परिकर के भीतर एक छोटा दास बन करके सखा बन करके फिर श्री कृष्ण का आस्वादन करते हुए युद्ध के अंतर्गत आराधना करते हुए विराजमान हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार के, तो यहाँ पर वो एक सिद्धांत बड़ा सुंदर ये सनातन विश्व जी ने निरूपण कर दिया कि जैसे संभवंत स्वरस्त्रिया ये ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि देवता लोग भी जन्म ग्रहण करें
और देवताओं की स्त्रियां जो देवीगण हैं, वे देवीगण भी ब्रज में कृष्ण अवतार होने वाला है, इसलिए वे भी जन्म ग्रहण करें। तो जन्म ग्रहण करने के तीन पद्धति श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी निरूपण कर रहे हैं। स्वयं ग्रह उपासना करने वाले नित्य परकर में तादात्म्य बंद होकर के जन्मेंगे। जो रागात्मिक उपासना करने वाले हैं, वे अलग से परकर में साधन सिद्ध परकर बन करके जन्म ग्रहण करेंगे, माने ब्रज में गोप होकर के उनको जन्म मिल जाएगा, पर उनका स्वतंत्र यूथ रहेगा। अपने अलग एक वे अयोध्य की उपासना करते हुए या स्वतंत्र एक यूथ बनाकर के उपासना करते हुए विराजमान होंगे, परंतु गौड़ियाओं की और गौड़ियाओं की नहीं बल्कि पूरे ब्रज की जो रस पद्धति है, उस रस पद्धति में हम लोगों की जो वैष्णवों की जो उपासना पद्धति है वो सर्वदा सर्वदा यहूद की उपासना पद्धति है। हम स्वतंत्र रूप में उपासना नहीं करते हैं किसी यूथ के पार्ट एंड पार्टिकल बन करके, यूथ के ही एक अंग बन करके हम उपासना करते हैं। अर्थात श्री राधारानी का यूथ, उसके भीतर कोई यूथेश्वरी श्री विशाखा जी आदि सखी हैं, उनके अंतर्गत श्री रूपमंजरी, उन रूपमंजरी जी के अनुगत होकर के नवमंजरी के रूप में ठाकुर जी की सेवा करते हुए विराजमान। तो गौड़ियाओं की जो उपासना पद्धति, गौड़ियों की नहीं बल्कि पहले निर्माण हो श्री स्वामी जी की, हरदास स्वामी जी की उपासना पद्धति हो, अन्य सब जगह वहां पर भी कहीं ना कहीं, यहाँ तक कि श्री रामानंदी संप्रदाय में भी उपासना पद्धति जो है वो सर्वदा सर्वदा यूथ के अंतर्गत ही है, यूथ की उपासना पद्धति है। जो श्री हनुमान जी का जो सखी रूप है चांद लेखा सखी, उनके शायद ऐसे ही नाम बोला हूं, तो हाँ चांद लता सखी, तो चांद लता सखी श्री हनुमान जी का उनके यूथ के अंतर्गत होकर के श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हुए हम विराजमान। तो रामन जितनी भी वैष्णवों की जो उपासना पद्धति है, वो वैष्णवों की उपासना पद्धति सर्वदा यौज की होकर के उपासना। देखो ये एक आश्चर्य की बात है कि ध्यान करेंगे कुटिया बंद करके गुफा के भीतर बैठ करके, परंतु कभी भी उपासना अकेली नहीं है। ज्ञानियों की जो उपासना है वो अकेले एकांत में बस एक जीव ब्रह्म में लीन हो रहा है, ये उपासना पद्धति होगी। परंतु वैष्णवों की उपासना पद्धति सर्वदा गुरु मंजरी के गुरुजनों के अनुगत्य में उपासना करने की पद्धति होगी, स्वतंत्र उपासना करने की पद्धति नहीं होगी। स्वतंत्र उपासना करने की पद्धति होगी तो फिर अपना भी कोई यूथ होगा और उस अपने यूथ में स्वतंत्र एक परंतु अनुगत्य ग्रहण करेंगे, अनुगत्य बिना तो लीला में प्रवेश होगा ही। पहले कहीं ना कहीं जो नित्य सिद्ध परकर हैं उनका अनुगत्य ग्रहण करना पड़ेगा, अनुगत्य ग्रहण करने पर फिर स्वतंत्र नायिका भाव मिल जाएगा और फिर उसके द्वारा श्री रास में ठाकुर जी के हाथ पकड़ करके नृत्य करने का सौभाग्य उनको भी प्राप्त हो जाएगा, गोपी देह की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु गोपी देह प्राप्त करना उतना अच्छी बात नहीं है जितना कि मंजरी देह को प्राप्त करना, सही देह को प्राप्त करना वह जितना उत्कृष्ट है, रसावह है, उतना कोई दूसरी वस्तु रसावह नहीं है। तो यथाचितेषां देवानाम अवतारा, हाँ तो प्रपंचांतर्गतास्तेषां प्रतिरूपा स्वरा यथा, प्रपंच के अंतर्गत जो देवतागण हैं वे भी तादात्म्य अपन्न होकर के या कभी अलग यूथ धारण करके या कभी जो नित्य परकर है उसके सेवक बन करके अपनी उपासना पद्धतियों के अनुसार वे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। यदि स्वयं ग्रह उपासना की है तो श्री राधिका चंद्रावली आदि में तादात्म्य बंद होकर के विराजमान होंगे। यदि स्वयं ग्रह उपासना नहीं है अनुगत्य पूर्वक परंतु स्वतंत्र नायिका भाव से उपासना है तो गोपी बनकर के जन्म ग्रहण करेंगे और फिर प्रिया की कृपा के अनुसार कभी उनको मिलन होगा, कभी उनको मिलन प्राप्त नहीं होगा। जबकि किशोरी जी कृपालु होंगे उस समय उनको मिलन प्राप्त होगा, नहीं तो श्याम सुंदर श्री राधिका को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह आसक्त होने वाले है ही नहीं।
और तीसरा है कि श्री राधिका के अंग परिकर में, राधिका के यूथ में अवस्थित होकर के विराजमान हो, तो रागानुगा यदि उपासना की है तो मंजरी भाव के द्वारा उपासना की प्राप्ति होगी। तो स्वयं उपासना, रागात्मिका उपासना और रागानुगा उपासना, इन तीनों उपासनाओं के अनुसार संभवत स्वस्त्रीय वे देवताएं जन्म ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर जो अवतार काल है उसमें इस तरह से वैकुंठ का परकर भी आकर के मिल जाता है और जो स्वर्ग का परकर है वो भी आकर के नित्य परकर में मिल जाता है। जब नित्य परकर नंदादिक आते हैं तो उनमें नंद नाम करके पार्षद भी मिल जाएंगे और उनमें द्रोणधरा नाम करके जो देवता हैं वे भी आकर के नंद में मिल जाएंगे। अब जब लीला समाप्ति होगी तो द्रोणधरा पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर, जो नंद पार्षद हैं वे चले जाएंगे वैकुंठ और जो गोलोक परकर है वो गोलोक परकर अप्रकट वृंदावन में या श्रीमद गोलोक में अलग से विराजमान होगा। जब उनकी उपासना परिपूर्ण रूप से परिपक्व होगी तब ये अलग भी जैसा उनका स्वरूप है उस स्वरूप के अनुसार उनको अलग से फिर स्थिति भी प्राप्त हो जाएगी। नंदेश्वर में पादात्म्य पन्न होकर के विराजमान हुए कोई मामूली बात थोड़ी हुई, वो भी बहुत बड़ी बात हुई। और फिर उस उपासना के अनुसार वे कहीं स्वतंत्र उपासना करते हुए मिलेंगे, परंतु एकदम अवतार काल में तो पादात्म्य पन्न रहेंगे, एकदम पादात्म्य पन्न वो सुख कोई जीव को के अधिकार का नहीं है। जो नित्य परकर है वो नित्य परकर है और जीव नित्य परकर साइज में बन नहीं सकता, नित्य परकर बन ही नहीं सकता है, माने कुछ दिन के लिए आश्रम प्राप्त होगा फिर उनका अनुत्य ग्रहण करके ही वो सेवा करते हुए विराजमान। यथाच तेषाम देवानाम अवतारा धरातले क्रीडाम चिकीर्षितो विष्णु भवन प्रीतये मूल। इस प्रकार देवताओं का भी अवतार पृथ्वी तल पर होता है, वे भी श्री विष्णु जब क्रीड़ा करना चाहते हैं तो वे भी कभी तादात्म्यपन्न होकर के, कभी स्वतंत्र स्थित होकर के, कभी रागानुगा में अनुगत्य ग्रहण करते हुए वे आराधना करते हुए विराजमान होंगे। यथावतारा कृष्णस्य भिन्नास्तेनावतारिणा तेषाम तथैषाम अवतारास्ते न स्युः एतैः समं प्रथा। तो यथा अवतारा कृष्णस्य अभिन्नास तेन अवतारणा। परंतु एक बात ध्यान रखना चाहिए, अब देखिए यहाँ पर एक भेदाभेद स्थापित कर दिया कि श्री कृष्ण और कृष्ण के अवतारों में तो कोई भेद नहीं, वे एक माने मत्स्य कुल वराह ये स्वांश हैं, परंतु जीव स्वांश नहीं है। यहां पर ये रहस्य है, भगवान दो रूपों में, भगवान की शक्तियां दो रूपों में कहीं प्रकट होती हैं, एक स्वांश और एक विभिन्नांश। जीव जगत विभिन्नांश है, ये दार्शनिक एक सर्टनिटी है, इसको समझना चाहिए, दार्शनिक सूक्ष्मता है कि भगवान की जो शक्तियां हैं वे शक्तियां दो कोटि में है, एक स्वांश और एक विभिन्नांश। श्री कृष्ण से लेकर के और अंतर्यामी पर्यंत सब स्वांश, जितने भी अवतार माने मत्स्य पूर्ण वराह सिंह सब स्वांश है, और इनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वो एक ही मिश्री है, उससे ही बना हुआ, वो हाथी है वही घोड़ा है, वो चांदी है वो मिश्री, तो वो स्वांश है। श्री कृष्ण और श्री नृसिंह इनमें कोई अवतार में भेद नहीं है, स्वर नहीं, तत्व में कोई भेद नहीं है, ये तत्व में एक है, परंतु जीव वह तटस्थांश है, तटस्था शक्ति है। जगत यद्यप सर्वम खलिदम ब्रह्म है, ये बात को वैष्णव भी मानेंगे, परंतु जगत विभिन्नांश है, माया एक विभिन्न अंश है भगवान का, भगवान का स्वरूप नहीं है, वह विभिन्नांश होकर के विराजमान है। अतः विभिन्नांश होने के कारण जो विभिन्नांश है वो भगवान में अत्यंत तादात्म्यपन्न नहीं हो सकता है,
एकदम नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर उसी श्री सनातन गोस्वामी बड़ी कृपा करके एक सिद्धांत रूपण कर रहे हैं गोप कुमार के माध्यम से, स्वरूप के माध्यम से सिद्धांत को कहलवा रहे हैं कि कृष्ण और कृष्ण के अवतारों में तो कोई भेद नहीं है, परंतु कृष्ण के नित्य परकर और वैकुंठ परकर और धरणीधर इनमें भेद है, ये एक नहीं है, ये भिन्न होकर के विराजमान। माने श्री बलराम अलग चीज हैं, वैकुंठ परकर शेष वे अलग हैं और धरणीधर अलग है, तो धरणीधर उनको अलग करके ही माना जाएगा। जो नित्य प्रकार नित्य स्वरूप श्री बलराम है उनको धरणीधर के साथ में एकदम अभेद नहीं माना जा सकता, जबकि भगवान के अवतारों में और अवतारी में कोई भी भेद नहीं है, अवतार अवतारी में भेद नहीं है, परंतु जो प्रतिरूप होकर के विराजमान है उनमें भेद है, अवतारों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर रहेगा, परंतु अवतार उसी कोटि में माने स्वांश कोटि में जो है वे हैं। परंतु यहां पर एक फिर समस्या एक सेटिलिटी है कि जीव दो कोटि के होते हैं, कल भी एक प्रश्न उठा था, जीव दो कोटि के होते हैं, एक जीव है वे नित्य बद्ध हैं और एक है नित्य सिद्ध, जो नित्य सिद्ध जीव हैं वे हैं करुण इत्यादि और उनकी बिल्कुल कैटेगरी अलग है वे तपस्या शक्ति में, पर उनकी कैटेगरी अलग है, वे नित्य सत्य हैं, कभी माया उनको घेर ही नहीं सकती है, परंतु हम सभी के जो जीव हैं वे नित्य बद्ध हैं और वे उनको माया सर्वदा घेरे हुए विराजमान। तो भगवान की फिर से पूरी बात को दोहरा दें कि भगवान की तीन शक्ति, एक स्वरूप शक्ति, दूसरी बहिरंगा शक्ति, और इन दोनों के बीच में एक तीसरी शक्ति है तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति भी दो प्रकार की, नित्य सिद्ध जीव और नित्य बद्ध जीव। हम लोग हैं नित्य बद्ध जीवों में, करुण इत्यादि हैं नित्य सिद्ध जीवों में। जो नित्य सिद्ध जीव हैं उनको कभी भी माया का बंधन नहीं है, पर नित्य सिद्ध होने पर भी वे भगवत कोटि में नहीं, भगवान की कोटि अलग है, कहलाएंगे वे जीव, कहलाएंगे वे भी तटस्था शक्ति ही, और तटस्था शक्ति होकर के, तटस्था शक्ति होने के कारण भगवान में एकदम उनका इमर्जन नहीं है, उनका एकदम तादात्म्यकरण नहीं है। तो यथावतारा कृष्णस्य अभिन्नास्तेन अवतारिणा, कृष्ण के अवतार को अवतारी से, अवतारी कृष्ण से उनके अवतार निसंघादिक अभिन्न हैं, तेषाम एव अवतारास्ते।